बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस ने पहले कार्लेज रेस्टोरेंट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था और अब गिरफ्तारी हुई है उस ड्रग पेडलर की जिसने ड्रग सप्लाई किए थे सुधीर सांगवान को। उसका कहना है कि वो सुधीर सांगवान को पहले से ही जानता था। साथ ही साथ रेस्टोरेंट के मालिक एडविन न्यून्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि पुलिस की पूछताछ में उनसे पूछा गया कि आखिर किस तरह सोनाली फोगाट उनके रेस्टोरेंट में आई। वो नॉर्मल एक ग्राहक की तरह उनके रेस्टोरेंट में आई थी और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो वॉशरूम के अंदर पुलिस को ड्रग्स मिला है, जिसके बाद पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया रेस्टोरेंट के मालिक नेम्स एंडविन को और साथ ही साथ उस ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया जिससे सुधीर सांगवान ने ड्रग्स खरीदे थे। अब ड्रग्स खरीदने वाले ड्रग्स पेडलर से सुधीर सांगवान के कोई संबंध है या नहीं है, इसके लिए तफ्तीश जारी है। आज 12 बजे के तकरीबन कोर्ट में पेश किया जाएगा ड्रग पेडलर को और उसके बाद पुलिस जुडिशियल कस्टडी की मांग कर सकती है और रिमांड की मांग कर सकती है ताकि पता लगाया जा सके कि पूरे मामले में गुत्थी किस तरह से उलझाई गई, किस तरह से पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। ये ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी के बाद रिमांड अगर होगा तो ये बात सामने आ ही जाएगी। हाल फिलहाल सुधीर सांगवान जो कि पीए है सोनाली फोगाट का, सुखविंदर वासी जो कि बॉडीगार्ड था, एडविन न्यून्स जो कि रेस्टोरेंट का मालिक है कार्लेज रेस्टोरेंट का, और साथ ही साथ एक ड्रग पेडलर, तकरीबन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है गोवा पुलिस की तरफ से और जल्द ही नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम पहुंच सकें हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।